केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोजगार मेले के तहत युवाओं को रोजगार पत्र वितरित किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज सातवें रोजगार मेले के तहत 45 सेंटर पर करीब 70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए। वहीं मणिपुर की घटना पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। रोजगार मेले के अवसर पर सभी कर्म योगियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और यही वजह है कि अब ये पांचवें पायदान से तीसरे पायदान की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प के अनुसार जो कहा सो किया और करते जा रहे हैं जी। उस क्रम में सातवें रोजगार मेला पर 70,146 नियुक्ति पत्र आज देश के 45 सेंटर में वितरित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने आज इस रोजगार मेला के अवसर पर सभी कर्मयोगियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्हें गरीबों की बेहतर सेवा करने का एक अपील की है और बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से देश में जो समृद्धि आई है उसका भी उल्लेख किया है और अपने आप में भारत की बढ़ती हुई दुनिया में साख और अर्थव्यवस्था में दुनिया में पांचवी पायदान पर तो आ ही हुआ है और तीसरे पायदान की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कही है वो देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है कि स्किल अप होकर कुशल बन करके भारत सहित दुनिया में छा जाना है। भारत के युवाओं की जरूरत आज पूरी दुनिया को है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अपील और अवसर। आज पीएम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो किस तरह से देखते हैं कि नए भारत की शुरुआत माने जिस तरह से लगातार आज 70,000 से ज़्यादा लोगों को वितरित किए गए हैं नियुक्ति पत्र। आज न्यू इंडिया का ही कंसेप्ट है कि मोदी कार्यकाल के पिछले 5-6 वर्षों जो ये 9.5 साल से तो शुरुआत के 3 वर्ष तो प्लेटफार्मिंग करने में लगे हैं और उस प्लेटफार्मिंग के बाद लोगों को बेहतर जीवन शैली घर आवास आज हर घर नल बिजली साफ सफाई सड़क ये सब सुविधाएं प्लेटफार्मिंग करते हुए आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। संसद ने चलने दिया गया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बहुत सख्त लहजे में मणिपुर की बेटियों के सम्मान के लिए जो बात कही है उस पर कदम उठाए जा रहे हैं और सख्त कदम